Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान खान द इन्फॉर्मेशन प्लैनेट। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की कहानी को आप तक लाए हैं। सो व्यूअर्स, आइए बताते हैं आपको उनके मुतालिक कुछ अहम मालूमात। व्यूअर्स, मियां साकिब निसार 18 जनवरी 1954 को लाहौर में पैदा हुए। व्यूअर्स, आप जानते होंगे मियां साकिब निसार पाकिस्तान के 25वें और हालिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। मियां साकिब निसार के वालिद का नाम मियां निसार था, जो कि एडवोकेट थे। इनका ताल्लुक लाहौर की एक अराई फैमिली से था। व्यूअर्स, मियां साकिब निसार ने लाहौर में कैथेड्रियल हाई स्कूल से मैट्रिक किया। इसके बाद 1977 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद इन्होंने 1980 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB इन सिविल लॉ की डिग्री भी हासिल की। व्यूअर्स, बाद हजार ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। अपनी लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर दी और इन्होंने 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया। इनकी अंतक मेहनत के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। 1992 में ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुंतखब हुए। इसके बाद 29 मार्च 1997 में इन्हें लॉ सेक्रेटरी का अहदा मिला। व्यूअर्स, बाद हजार ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ के फेडरल लॉ सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए। व्यूअर्स, आपको जानकर ये बहुत हैरानगी होगी और आपको लिए ये बहुत नई बात भी होगी कि मियां साकिब निसार का शुमार उन जजों में होता है जिन्होंने 2000 में PSO के तहत ओथ लिया था। तो व्यूअर्स, बाद हजार 31 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए और इन्हें नॉमिनेट करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और इन्हें अपॉइंट करने वाले हमारे सदर ममनून हुसैन थे। सो व्यूअर्स, ये थी मियां साकिब निसार की एक मुख्तसर कहानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग उस्मान खान द इन्फॉर्मेशन प्लैनेट।